मौसम में तब्दीली, स्मोक का अंदेशा, पहली बार धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का 2-2 हजार रुपए चालान होगा। सीटीओ का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की दूसरी बार कागजात जब्त होंगे। ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट, महकमा माहौलियात की टीमें तश्कील, खसूसी नाके लगाकर ट्रैक डाउन किया जाएगा। 980 रुपए वाला सब्सिडाइज आटा खत्म, हुकूमत ने 20 किलो का थैला 330 रुपए महंगा कर दिया। नई कीमत 1310 रुपए मुकर्रर, फी किलो आटे की कीमत में 16.5 रुपए इजाफा हुआ। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक हुकूमत ने गंदम की कीमत 1765 से बढ़ाकर 2300 रुपए कर दी। ओपन मार्केट में गंदम 3700 रुपए बेची जा रही है। गरीब के लिए दो वक्त की रोटी का हसूल मजीद मुश्किल हो गया। पेट्रोल तो पेट्रोल, हुकूमत ने पानी भी महंगा कर दिया। बिलों में 25% इजाफा, सालाना 10% के हिसाब से बिल बढ़ेगा। एलडीए की गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दे दी। एलडीए स्कीमों में ट्रांसफर फीस डीसी रेट से मुंसलिक, खयाबाने जना की तमीर और बहाली, वॉक एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट का एजेंडा मंजूर, गुलबर्ग गार्डन टाउन की क्लासिफिकेशन रीक्लासिफिकेशन होगी। एलडीए वासा तीपा का माली साल 2022 और 23 का 67 अरब का बजट मंजूर। वासा का 21 अरब पर मुश्तमिल 4 अरब खसारे का बजट पेश। तीपा का 1 अरब 80 करोड़ का बजट मंजूर। परवेज इलाही ने बतौर चेयरमैन एलडीए अथॉरिटी अपने पहले इजलास की सदारत की। एलडीए मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह पर 50% अलाउंस की भी मंजूरी। शाहदरा चौक की सुनी गई, ट्रैफिक की बहाली का प्लान फाइनल। जीटी रोड पर 3-3 लेन का फ्लाईओवर बनेगा। कोट अब्दुल मालिक से नियाजी चौक 2 लेन का सिंगल फ्लाईओवर तामीर होगा। 9 अरब लागत आएगी। शाहदरा चौक पर 45 किनाल एराजी एक्वायर होगी। मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होगा। फ्यूल कीमत में रोजाना 3 लाख गाड़ियों को फायदा पहुँचेगा। उन्नीस तरक्याती स्कीमों के लिए 31 अरब से जायद के फंड्स मंजूर। समनाबाद मोड अंडर पास के लिए 2 अरब 6 करोड़ 15 लाख मंजूर। लेक सिटी से ड्राइवन रोड की बहाली के लिए 1 अरब 84 करोड़ 86 लाख मिलेंगे। पीएनडी बोर्ड ने गजुमता से कसूर फिरोजपुर रोड की बहाली के लिए 6 अरब 57 करोड़ 81 लाख मंजूर किए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने बॉस से भी आगे। मोहम्मद खान भट्टी सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले अफसर, महाना 18.5 लाख लेकर वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी को पीछे छोड़ दिया। मोहम्मद खान भट्टी की बुनियादी तनख्वाह 2,44,000, 7,40,000 एजाजी तनख्वाह ली, 2,44,000 फ्यूल अलाउंस, 1,96,000 सेशन अलाउंस वसूल किया। जमीन का मालिक कोई, कागजात में काबिज कोई और, डिजिटल फसला गर्दावरी में 7 लाख बोगस एंट्रीज का इंकशाफ। डिजिटल गर्दावरी और फरसे का मंसूबा ठेकेदारों की नजर हो गया। साबिक सीनियर मेंबर बाबर हयात तारर ने जाली एंट्रीज पर रेवेन्यू ऑफिसर्स को मातर किया था। शहर की मुहाफिज सेफ सिटी अथॉरिटी खुद गैर महफूज। पार्टी गेट में 3 मुख्तलिफ मकामात से कैमरों की बैटरियां चोरी। ऊंची मस्जिद और उर्दू बाजार के करीब से कैमरों का सामान भी गायब। चोर 12,27,000 सामान ले उड़े। सेफ सिटी अथॉरिटी ने इंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी। शहर के 3 थानों के एसएचओ तब्दील। रेहान जिया एसएचओ शफीकाबाद, मोहम्मद जोहेब एसएचओ मिल्लत पाक तायुनात, सब इंस्पेक्टर शबीर रजा एसएचओ टाउनशिप मुकर्रर। नाकिस कारकर्दगी पर एसएचओ शफीकाबाद नासिर अमीन मुअत्तल, एसएचओ मिल्लत पाक असद कुरैशी पुलिस लाइन क्लोज कर दिया गया। मनपसंद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला, एमएस डॉक्टर याहिया सुल्तान पर इल्जाम साबित। बतौर सजा 1 साल की इंक्रीमेंट जब्त। डॉक्टर याहिया सुल्तान ने हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मिलने वाली वैक्सीन अपने करीबी लोगों को लगवाई थी। अवाम को इश्ताल दिलाने का इल्जाम। वफाकी वजीर जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एमपी डीपीओ भी नामजद। वजीर दाखिला हाशिम डोगर कहते हैं किसी को मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद बोली जावेद लतीफ के बयान ने इमरान खान की जान को खतरे में डाल दिया है।
हमें पत्थर के दौर में धकेला जा रहा है, सनतें बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हुकूमत ने सनतकारों को मुश्किलात के भंवर से ना निकाला तो एक्सपोर्ट डेड लेवल पर आ जाएगी। सदर लाहौर चैंबर मियां नुमान कबीर की मीडिया से गुफ्तगु। लाहौर चैंबर के इंतखाबात पीआफ के कायदीन में शदीद इख्तिलाफात। मियां शफकत नायब सदर के लिए मुदस्सिर मसूद के हिमायती अंजुम निसार अपने उम्मीदवार जफर महमूद या खामिद सईद बट को नायब सदर बनाना चाहते हैं। सीनियर नायब सदर और नायब सदर के चुनाव में मियां अंजुम निसार और मियां शफकत ने गर्मा गर्मी। नए जर्मन सफीर एल्फ्रेड ग्रानास का लाहौर का पहला दौरा। सरबरा काफलीक चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। जर्मन सफीर कैंट में पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन के घर गए। मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मंशा से भी मिले। तजारती अमूर पर तबादला ख्याल किया। एल्फ्रेड ने एफसी कॉलेज का दौरा भी किया। इंतजामिया से तदरीसी अमूर पर बातचीत की। आए सैलाब जदगान की मदद करें। सिटी न्यूज नेटवर्क के हेड ऑफिस में इमदादी कैंप जारी। राशन से भरा एक और इमदादी ट्रक मुतासरा इलाकों को रवाना। अशिया खुर्नोश, पानी की बोतलें, दूध और दीगर सामान भी शामिल। खिदमत के मिशन में आप भी आगे बढ़िए। सिटी 42 का साथ दीजिए। सैलाब जदा इलाकों से डॉक्टर्स के 25 रुकनी वफ की वापसी। चिल्ड्रन गंगाराम और शाहदरा अस्पताल के डॉक्टर्स शामिल। जुनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब जदगान को तिबी इमदाद फराहम की। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और प्रोफेसर मसूद सादिक ने वेलकम किया। पीएससी में प्रियोन्टू कार्डियोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत इजलास। दिल के इमराज से बचाव और इलाज की सहूलियात का जायजा। प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मुहैयुद्दीन ने ब्रीफिंग दी। जहनी तनाव और परेशानियों को कैसे कम करें। सर्विसेज अस्पताल में शोभा साइकेट्री के तहत वर्कशॉप। डॉक्टर सुमेरा बुखारी का लेक्चर। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक अफजल, प्रोफेसर शुएब, प्रोफेसर अंबरीन भट्ट और डॉक्टर जाहिद रफीक ने शिरकत की। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत पहली इंजीनियरिंग केपस्टोन एक्सपो। 35 यूनिवर्सिटीज के तलबा के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश हुई। एक्सपो में मियास्तम इकबाल, सानिया कामरान, नजीब हारून, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर नियास अहमद समेत दीगर शख्सियात की भी शिरकत। सिख यात्रियों के वफ़द की लाहौर आमद। कश्मीरी गेट, नौलखा बाजार, मजंग, गर्दाव गुरुद्वारा का दौरा। तारीखी मुकामात देखें, तस्वीरें बनवाएं।